फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। अभी ये देखिए, ये हैदराबाद की लास्ट वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ है। और ये बहुत सारे वीडियो हैं, तो ये वीडियो आगे पीछे भी जा सकता है, क्योंकि जब मैं वहाँ घूमी थी तो बहुत सारे ब्लॉग बने हैं, तो धीरे धीरे मैं शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले चाय से शुरुआत करते हैं। जो हमारा मॉर्निंग रूटीन था, यानी टाउन हाउस से होटल में रुकना था, नीचे रतन द्वीप से शॉपिंग, पास से मंदिर जाना और चाय पीना, ये हमारा रूटीन था, घूमना फिरना। और यहाँ पे फ्रेंड्स रतन द्वीप से मैं कुछ सामान लेने आई हूँ, यहाँ की लास्ट शॉपिंग है। और क्योंकि डेली यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाते थे, और साउथ का जितने भी सारे चीज़ होते हैं ना खाने के, इडली डोसा और मैसूर बड़ा था, वैरायटी तो बहुत सारे थी, मगर हम क्या क्या खाते, पर जो भी था वहाँ से खाते पीते अब हम निकल गए हैं, कैब ले लिए हैं, अभी जा रहे हैं हैदराबाद सिटी को छोड़ते हुए एयरपोर्ट की ओर। तो एयरपोर्ट जाने के रास्ते में व्यू तो इतने अच्छे अच्छे मिले कि एक ब्लॉग ही कंप्लीट हो जाता, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत आउटर में बना हुआ है और काफ़ी यहाँ मतलब रियली में बोला जाता है ग्रीन सिटी। तो देखने के बाद ये पता चला कि रियली में ये ग्रीन सिटी है, बहुत ही हर जगह हरियाली ही हरियाली है। मौसम भी फ्रेंड्स से अगर आप धूप में निकलो तो थोड़ी तो गर्मी लगेगी, पर मौसम वहाँ का अच्छा था, मतलब जैसे रात में एसी ना चलाओ फैन में भी रहो तो काम चल रहा था, मतलब रात का मौसम टेम्परेचर डाउन होता था, मॉर्निंग का भी अच्छा होता था। बीच दोपहर में जब धूप रहती है तो थोड़ा तो हर जगह प्रॉब्लम होती है, पर यहाँ का मुझे मौसम भी अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट की ओर जा रही हूँ, और एयरपोर्ट मुझे लगता है मैं जितना घूमी हूँ उतना में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट मुझे हैदराबाद का लगा, क्योंकि एयरपोर्ट फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून और बाय बाय हैदराबाद। अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया, एयरपोर्ट आई हूँ और अभी जल्दी आ गई हूँ, 12:30 आई हूँ और अभी 3 o'clock का फ्लाइट है। तो चलिए अंदर जाकर देखती हूँ यहाँ का एयरपोर्ट कैसा है। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं क्योंकि क्यों अच्छा था, तो चलो आप लोग खुद ही देख लो। तो सबसे पहले हम लोग तो फूडी से यहाँ का स्पेशल बिरयानी लेना था मुझे, पर यहाँ से मैं बिरयानी जो ली हूँ वो मैं इसमें दिखा दूँगी कि कौन सी बिरयानी ली, हैदराबाद का स्पेशल बिरयानी। और एक्चुअल में मुझे थोड़ा वीडियो शूट करना था, तो बस सामान के नाम पर सिर्फ एक ट्रॉली थी, तो हस्बैंड को बोली कि थोड़ा सा आप संभाल लो तो मैं थोड़ा वीडियो बना लूँ। तो यहाँ से अगर आपको शॉपिंग करना है तो शॉपिंग भी कर सकते हो, पर ऑलरेडी हमारी शॉपिंग बहुत हो चुकी थी तो हमें कुछ करना नहीं था, बस एयरपोर्ट पे घूम रही थी और वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि काफ़ी थोड़ा जल्दी चली गई थी। और हैदराबाद से मतलब निकल तो रही हूँ, पर बहुत बड़ा बोलते हैं बहुत कीमती चीज़ छोड़ के आई हूँ वहाँ, तो आना जाना तो बना रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स जब तक आप लोग भी वीडियो एंजॉय कीजिए, और बोलेंगे कि प्रीति बहुत बोर करती है, तो फ्रेंड्स क्या सच में मेरी वीडियो आप लोग को बोर करती है तो आप बता देना, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती ही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एयरपोर्ट के जो भी थोड़ा बहुत जो भी थे बैठे बैठे ही थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर रही थी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग की इजाज़त हो तो शॉपिंग हो गई हो तो चलिए आप लोग को हैदराबाद का बहुत ही स्पेशल और जो फेमस स्वीट शॉप है वहाँ लेकर चलती हूँ। यहाँ का फेमस बेकरी और स्वीट्स थे, तो पढ़ क्या हुआ कि मेरे से गलती हो गई, बेकरी का तो कोई वीडियो ही नहीं बनाई। तो फ्रेंड्स तो चलिए पहले स्वीट का जो वीडियो बनाई हूँ वो शेयर करती हूँ। तो बहुत ही यम्मी यम्मी स्वीट्स थे फ्रेंड्स, और यहाँ का फेमस है हैदराबाद का, तो आप खुद ही देख लो कि जितने सारे यहाँ पे वैरायटी हैं सारे में सेमिया से कोटिंग किया हुआ है। तो यहाँ का अगर कोई लोग हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, नहीं तो मैं फिर अगर जाऊँगी तो स्पेशली यहाँ का स्वीट का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तब तक चलिए फ्रेंड्स शॉपिंग हो गई, स्वीट भी खा लिए, तो अभी थोड़ा सा लंच टाइम हो रहा है, तो मैं चली गई लॉन्ज में बैठने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँ और जो भी है थोड़ा बहुत खा भी लूँ। तो ये है खाने के मामले में तो मैं टेस्टिंग तो करती ही रहती ही हूँ, आप लोग को पता ही है, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ का फूड ज़रूर टेस्ट करती हूँ। तो चलिए आ गया है खाना, ले आई हूँ और थोड़ा बहुत लंच का भी थोड़ा बहुत ही वीडियो बनाई, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो बना रही थी तो अच्छा क्लियर नहीं आ रहा था।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे खाना खाकर बातें कर रही थी, पर लॉन्ज में ना काफी ज्यादा आवाज आ रहा था, मेरा वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम था इस वजह से ओवर वॉइस की। तो अब खाली हूँ, अब चलती हूँ। हस्बैंड जी वेट कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि कहाँ गई। तो देखिए फ्रेंड्स, बस छोटा सा क्लिप ली थी लॉन्च का, वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। चलते चलते सोची कि कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, क्योंकि खाना थोड़ा हैवी हो गया था, और फिर मैं सोची चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। और क्योंकि फ्लाइट का भी टाइम हो रहा था, हस्बैंड सोचेंगे कि कहाँ चली गई है, तो मैं वहाँ पे अभी जा रही हूँ और वहाँ से मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोग के साथ। और आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स हमारी तो बड़ौदा वाली फ्लाइट आ चुकी है, अब जा रही हूँ। पर हमारा तो बहुत ही कीमती कोई नूर का हीरा तो वहीं छूट गया। तो चलिए बादलों की सैर करते हुए अपने घर की ओर चल रही हूँ। और फ्रेंड्स घर की ओर जा रही हूँ, और काफ़ी अच्छे अच्छे बोलते हैं ना, बादलों के बीच जाओ तो अच्छे अच्छे व्यू आते, पर सारा तो लेना मुश्किल था। और यहाँ पे मैं आ गई एयरपोर्ट, और फिर एयरपोर्ट पे आने के बाद फ्रेंड्स मेरा ना स्पेस बिल्कुल, आप देख सकते हो बात करते करते मेरी स्पेस ही ख़त्म हो गई, तो अधूरा बात आप लोग को क्या सुनाती, इस वजह से ओवर वॉइस कर रही हूँ। और सिर्फ आप लोग को थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पे मैं बातें कर रही हूँ कि दिल से थैंक यू, क्योंकि मैं YT पे काम नहीं कर रही थी, फिर भी सबका प्यार और सपोर्ट बना रहा, जिसके लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। अपने घर तो आ गई हूँ, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए ब्लॉग और रेसिपी के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।